देखिए एक मॉडल है, एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम लोग को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर अभी आप देखना कि जो रीट के एग्जाम हो रहे हैं आपके जितने भी नाइन्थ में जो ग्रामर को टॉपिक है वो सभी के सभी टॉपिक अभी रीट में, रीट में जो टीचर भर्ती के लिए जो निकला है मॉडल का प्रयोग है, ये सब चीजें, और ये कितनी मामूली चीजें होती है जो भी हमें नहीं आती है, चाहे मॉडल हो चाहे प्रीपोजिशन हो, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें वैसे देखा जाए तो पढ़ना तो चाहिए कम उम्र में। तुम्हारी एज में यदि जो बच्चे परफेक्ट पढ़ ले तो आज वापस पढ़ने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मॉडल में यू आपके बहुत सारे, पर आपके जो मेन मॉडल है उन्हीं मॉडलों को मैं लूंगा। क्यों लूंगा इसको मैं थोड़ा मैं समझा देता हूं। ऐसे तो मॉडल बहुत सारे हैं पर मेन जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा हम उनकी बात करते हैं आज, ठीक है। अब सबसे पहले जो मॉडल शब्द ये बनता है मूड से, मूड का मतलब होता है मनोभाव। क्या मनोभाव? मनोभाव, मनोभाव का मतलब कि मन की जो स्थिति है, जैसे मन की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, मनोभाव कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल आई कैन लिफ्ट द टेबल, मैं टेबल उठा सकता हूं, अर्थात कि उसकी स्थिति क्या है कि हाँ उसमें इतनी कैपेसिटी है कि उस टेबल को क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। क्लियर? तो यहां पर जो कैन शब्द है वो क्या है, मनोभाव, एक प्रकार से उसकी मन स्थिति है। जैसे इट मे रेन टूडे, जैसे एक वाक्य इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब कि बारिश की संभावना है। तो मैं शब्द किस भाव को जाहिर कर रहा है, संभावना को, ठीक है ना। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोकिंग, यदि कोई कहे डॉक्टर तुम्हें कहे कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब वो तुम्हारी जान को खतरा है इसलिए वो कह रहा है, वो आपको वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सभी चीजें, ये आपके जो छोटे छोटे शब्द है, जैसे कि एक तो कैन है, कूड है, मैं है, माइट है, उसके अलावा शूड है, शैल है, शूड है, विल है, वुड है और मस्ट, ये इसमें भी शैल या विल को हम छोड़ दिया जाए तो बाकी इससे मतलब कि जो मूल जो देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ आपको पूछा जाते हैं, जो मॉडल पूछे जाते हैं वो 5-6 में से पूछे जाते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक वगैरह में है और ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में उन्हें विल शैल को कम पूछा जाता है, क्योंकि विल शैल का प्रयोग हम एज ए हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर सिंपल टेंस में भी क्या करते हैं, करते हैं। देखिए मॉडल के बारे में इसकी दो विशेषता ध्यान दीजिए, मॉडल के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली चीज कि जो मॉडल होता है, जब भी मॉडल आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पहली जो इसकी करेक्टरिस्टिक जो विशेषता है मैं बताऊं कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसमें मॉडल के बाद कभी भी वर्ब का रूप चेंज नहीं होता है, पहली चीज। ये चीज आगे कहीं कहीं आपके एग्जाम में भी काम आती है, जैसे कि अभी जो एग्जाम है उसमें 13 जो एक क्वेश्चन आता है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, फाइंड द एरर, कि वाक्य को गलत लिखा हुआ बताओ, तो उसमें मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और जिसको यही पता हो कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कुछ और है तो इसका मतलब वो गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि मॉडल हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि जो इसमें जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि मॉडल का जो रूप है, चाहे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, मॉडल की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि कैन का कैन ही रहेगा, यूनिक कैंस मत कर देना, सिंगुलर आ रहा है तो एस लगा रहे हो, सिंगुलर नहीं आ रहा है तो, ये नहीं करना है। अर्थात कि मॉडल के मॉडल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा मॉडल का रूप कभी भी नहीं बदलता है। पहली चीज ये जो आपके मूल मॉडल है, जो मॉडल है देखिए आपके वो, उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिससे कि मैं बात करता हूं ये मॉडल, ठीक है ना। इसका जो नेगेटिव रूप होता है कि जैसे कि कैन है तो कैन के साथ आपके इसका नेगेटिव, जैसे फुल नेगेटिव, ये ध्यान रखना जरूरी है, कुछ लोग इसे गलत लिखते हैं, फुल नेगेटिव फॉर्म, और इसमें होता है कि शॉर्ट फॉर्म, ये आपको कई लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे कैन है, ठीक है, कैन की नेगेटिव क्या होगी, कैन नॉट, इसको कैसे लिखते हैं, कांट, इस टाइप से,
एड लिख के फर्स्ट में लगा के फिर आप क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे, ठीक। जैसे कूड है, क्या लिखेंगे इसे, जैसे इसकी भी फुल फॉर्म कुड नॉट, इसकी शॉर्ट क्या हो जाएगी, कुडन। दो चीज इसी प्रकार कहेंगे, जैसे मैं मे नॉट मैन, ठीक है ना। हालांकि मैं का इसका मेनोरिटी लगाते फिर भी आप यदि लगा दो तो चलेगा, जैसे माइट का माइट नॉट, इसके साथ माइटन, मस्ट मस्ट नॉट, मस्टन, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे शेल शेल नॉट, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, शेंट, ये होगी इसकी, बिल्कुल अलग होती है, ये याद रखना, विल की विल नॉट, वॉन्ट। इसके अलावा डेयर नॉट भी होता है, नीड भी होता है, पर उनका प्रयोग कम होता है, मैं इसको यहां पर नहीं लिख रहा हूं। ये मॉडल है, मॉडल की शॉर्ट फॉर्म है, और कहीं पर यदि इसको इसकी नेगेटिव फॉर्म है और शॉर्ट में लिखना पड़े नॉट वाला है, तो इस प्रकार से आप सीधे भी लिखे, जिससे कई बार क्या होता है कि ये लिखा हुआ या सेंट लिखा हुआ आ जाए, आपको पता है सेंट लिखा हुआ आ जाए, आपको पता ही नहीं रहता है सेंट का मतलब सेल नॉट होता है। आपको पहले तो इन चीजों का ख्याल रखना है। जो मूल मॉडल जो आपको पूछता है वो देखो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मस्ट, ये कैन कूड मैन माइट मस्ट शुड भी है, हालांकि मैं लिखा नहीं होगा, इसे शुड और वुड, शुड को क्या लिखेंगे, शुड नॉट शुडंट, वुड का वुड नॉट और वुडंट। ये आपको इसका एक टेक्निकल ज्ञान इतना, तो इसका आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये होगा तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्लियर। पहले आप इसे लिख दीजिए, हाँ। अब देखिए मॉडल, दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको पहला काम तो आपको ये करना है कि देखिए मॉडल में से देखा जाए तो अमूमन कठिन लगते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मॉडल में कमी क्या बता दू मैं आपको, कोई सा नियम, कोई खास नियम नहीं लगते। वैसे देखा जाए तो मॉडल का प्रयोग जब सेंटेंस आता है तो सेंटेंस को देख के पता चल जाता है कि इसमें यही मॉडल आएगा। जो आपके मेन मॉडल है वो उन मॉडलों के लिए मैंने कीवर्ड लिख दिया है, इसे कहते हैं गोल्डन रूल्स, ताकि जिसे आप बहुत अच्छे से क्या कर सको, समझ सको। सीधा मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब आपको जो मेन मॉडल पूछे जाते हैं, मैंने जो आपकी किताबों में, आप टेक्स्ट बुक में जो पूछे जाते हैं ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आगे भी जो मेन मॉडल है वो मैंने लिख दिया, कैन कुड कैन नॉट मे माइंड शुड मस्ट और मस्ट नॉट। इतने आपके मैंने अभी जितनी भी एक्सरसाइज आपकी बुक में भी है वो इसे की है, तो अपन क्या है कि इसके हमें नियम पता चल जाए। साइनिस्ट ने लिखी, देखो ये कोई रूल्स नहीं है, पहले ही बता दू, थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, एग्जैक्ट जो रूल कहते हैं वो मॉडल में नहीं होते, वो अंततः उस वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो वाक्य क्या कह रहा है और इस हिसाब से हमें किस मॉडल का प्रयोग करना है। पर किस मॉडल का प्रयोग किन कंडीशन में कहां पर होता है, इसे आप अच्छी ढंग से आप ये समझ सकते हो। देखिए इसे सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है कैन मॉडल, ये जो शब्द लिखे ना, आपको मॉडल दो प्रकार से पूछे जाएंगे। एक तो वो होता है कि ऊपर फिल इन द ब्लैंक और पांच छह मॉडल दे देगा और नीचे पांच छह वाक्य दे देगा और उन मॉडल को उन वाक्य में भरना पड़ेगा, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका होता है कि सेंटेंस दे देगा और कोष्टक में मॉडल सूचक जो शब्द होते हैं, ये जो मॉडल सूचक शब्द है, जैसे एबल है, एबिलिटी है, कोष्टक में जैसे वो एबिलिटी दे देगा, तो एबिलिटी को देख के आपको पता चलना चाहिए कि इस पे किस मॉडल का प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। दो तरीके से पूछे जाते, तीसरा इसका तरीका होता नहीं है। इसलिए आप देखिए इस चीज को, दो तीन चीजें देखिए आप। सबसे पहले ये
यदि किसी वाक्य में या तो कौष्टक में यदि ये शब्द आ जाए, पहली चीज देखो इसको मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं, यदि कौष्टक में ये दोनों शब्द आ जाए ठीक है ना, ये सभी शब्द इनमें से कोई भी शब्द आ जाए इसका प्रयोग होता है एंड काम पहली चीज। परंतु वैसा नहीं होगा और आपको ये कहे जैसे देखिए ये किसी वाक्य में यदि इस प्रकार की संभावना है, यदि वो कौष्टक में शब्द नहीं दे और आपको प्रश्न पूछ ले कि चलो आप क्या कीजिए इसमें फिल इन द ब्लैंक इन करेक्ट मॉडल ठीक है। अब इसमें यदि उस जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सेंटेंस को क्या करोगे आप ध्यान से पढ़ोगे, यदि उसमें जैसे एबल एबिलिटी कैपेसिटी ये कौन सी ये वर्ड है क्षमता वाले कैपेसिटी वाले, अर्थात ये किसी कार्य को हम कर सकते हैं, आई कैन राइट फास्ट मैं तेज लिख सकता हूँ, आई कैन डांस ठीक है, आई कैन ड्राइव मोटरसाइकिल अर्थात ये आपकी क्षमता है आप ये काम कर सकते हो, आई कैन लिफ्ट टेबल इन वन हैंड मैं एक हाथ से अपनी टेबल ये टेबल क्या कर सकता हूँ उठा सकता हूँ। तो ये जो क्षमता वाले वाक्य जो भी आ जाएंगे तो वहां किसका प्रयोग होगा कैन का, ये कैपेबल कैपेबिलिटी पावर स्ट्रेंथ, पावर स्ट्रेंथ मतलब जहाँ शक्ति प्रदर्शन होता है मतलब जा सकता मतलब ये सकता जिससे कि वाक्य पढ़ रहे उसके दौरान आपको लगे सकता हूँ ऐसा या सकता था ऐसा कुछ आ जाए, सकता था है तो दूसरा होगा पर सकता हूँ ऐसा आ जाए तो इसका मतलब किस वर्डों का प्रयोग होगा कैन का। यदि ये वाक्य पास्ट टेंस में हो, यदि ये कि ये संभावना है, यदि ये वाक्य आ जाए ये शब्द यदि लिखे हुए आ जाए कोष्टक में और जो सेंटेंस दे रखा है जिसमें आपको मॉडल बनना है वो यदि पास्ट टेंस का हुआ, पास्ट टेंस किसी का भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है मतलब पास्ट टेंस, तो फिर कैन की कैन का प्रयोग नहीं करेंगे किसका प्रयोग होगा कुड का। यदि ये शब्द आ जाए या इनके साथ नॉट एबल लिखा हुआ है अर्थात की किसी वाक्य में जैसे एक तो है कि कैपेसिटी होना और दूसरी कैपेसिटी नहीं होना, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस चेयर इन वन हैंड कैपेसिटी है तो वहां पर कैन लगाया पर वो दे देगा कि आई कैन नॉट लिफ्ट दिस चेयर इन वन हैंड मैं इस टेबल को कुर्सी को मैं एक हाथ से नहीं उठा सकता तो वहां पर क्या आएगा नॉट आ जाएगा कैन नॉट ठीक है ना पहली चीज है। उसके बाद देखिए यहां पर पॉसिबल मतलब संभावना, इसके लिए संभावना के लिए पॉसिबल पॉसिबिलिटी प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी ये शब्द प्रयोग तो होते हैं संभावना के लिए, या तो कौष्टक में ये शब्द दे दे आपको मॉडल सूचक बनना है तो आप क्या बनोगे मैं का, अर्थात कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी उस सेंटेंस में संभावना लगे तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होगा मैं का प्रयोग होता है। लाइकली लाइकलीहुड ये भी संभावना के लिए परमिशन एक नॉर्मल परमिशन लेनी हो क्या लेनी हो नॉर्मल जैसे कि अपन कहते हैं मैं आई कमिंग सर, अब अपनी क्लास में जब जाते हैं पहले परमिशन लेते हैं मैं आई कमिंग सर तो वहां पर जो परमिशन के लिए किस मॉडल का प्रयोग हो रहा है मैं का प्रयोग या अलाउड या परहैप्स शायद या अनुमान लगाए कोई गैस अनुमान भी लगाए या किसी को विश करते जैसे मैं यू लिव लॉन्ग तुम चिरायु रहो कहते हैं नहीं अपने इस प्रकार से जब कोई विश करते हैं तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है मैं का प्रयोग होता है क्लियर। अब आगे ध्यान रखना दिखिए यदि ये शब्द सभी पास्ट टेंस में आ जाए तो किसका प्रयोग होगा माइट का, तो इसमें ये ध्यान रखना है एक तो पास्ट टेंस में आ जाए मैं का माइट हो जाएगा, दूसरी चीज रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना, जैसे मैं कहूं कि इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती संभावना है, इट मे रेन टूडे आज बारिश हो सकती है, पर यदि मैं कहूं इट माइट देर आर नो क्लाउड इन द स्काई इट डॉट 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 रेन तो आकाश में बादल नहीं है तो इट माइट रेन मतलब न के बराबर संभावना है, अचानक बादल आ जाए बादल लगे पर न के बराबर जो कम संभावना होती है बिल्कुल वहां पर इसका प्रयोग होता है माइट का। कैजुअल रिक्वेस्ट या कोई अचानक भी प्राप्त करे ठीक है ना आकस्मिक रिक्वेस्ट हो तो इसके लिए और एडवाइस के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं माइट का प्रयोग। इसके बाद देखिए ये एडवाइस सलाह मांगने के लिए क्या है मतलब सलाह जैसे ध्यान रखना चाहिए जब भी शुड कब का करते जैसे मैंने कहा कैन का प्रयोग होता है सकता दिमाग में रखना ये शब्द आएगा इधर ध्यान दीजिए सकता यदि आए तो कैन का प्रयोग होता है, शुड यदि प्रयोग जब बाकी का ट्रांसलेशन कर रहे हो और आपको लगे कि इसमें चाहिए जैसा शब्द आ रहा है जैसे यू शुड वर्क ऑन टाइम तुम्हें समय पर क्या करना चाहिए काम करना चाहिए, यू शुड स्टडी रेगुलरली तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये सभी क्या है सलाह है एडवाइस है। और एडवाइजिबिलिटी मॉरल ड्यूटी
मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनवानों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से जब हो तो इसके लिए भी किसका उपयोग होता है, शुड का, मॉरल ऑब्लिगेशन। ऐसा कोई जैसे कि इसे अपने वो वाली बात इसमें आएगी, सजेशन का मतलब सुझाव, यदि कोई सुझाव वगैरह हो, आप किसी को सुझाव देते हो, जैसे हम किसी को सुझाव देते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुझाव दिया है। अर्थात कि ये जो एडवाइस वगैरह है यदि ये सुझाव है, यदि आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, इसमें कई बार होता है। और ऐसे सुझाव दिए जाए जिसको आपको मानने ही मानने हैं, तो उसमें अलग मॉडल का प्रयोग होता है, वो देख लेना मस्ट। जैसे यहाँ पर भी ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर भी ऑब्लाइज ऑब्लिगेट आ रहा है, पर यहाँ बाध्यता है, क्या है, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग हियर भी लिखा होता है, या मस्ट आ गया कि यहाँ तुम्हें स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, और वहां यदि आपने स्मोकिंग कर दी तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, वहां बाध्यता है। मतलब जहां पर आपको लगता है कि मना कर रहा है कहने के लिए, पर उसका उल्लंघन करने पर उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इसमें आप उल्लंघन कर सकते हो, ठीक है ना। नेसेसरी नेसेसिटी बिल्कुल आवश्यक हो, अनिवार्य हो, कंपेल सर्टन या बिल्कुल निश्चित हो कोई चीज, हाँ ऐसा होगा ही होगा, जैसे कि देर इज अ वेरी बैड एक्सीडेंट, सम पीपुल मस्ट डाई, कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग तो मर ही गए होंगे, मतलब कि मरे ही होंगे, तो वहां पर जो निश्चित हो जाए तब वहां पर श्योर श्योरली बिल्कुल श्योर हो जाए, या किसी काम के प्रति डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय हो जाए, वी मस्ट डू इट, हमें करना चाहिए, वी मस्ट विन द मैच टूडे, आज हमें अपना मैच जीतना ही चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के लिए या कोई प्रॉमिस या ऑर्डर हो तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है, मस्ट नॉट का। यदि बिल्कुल प्रोहिबिशन हो, जैसे मैंने कहा यू मस्ट नॉट स्मोकिंग हियर, प्रोहिबिशन है, बाध्य निषेध है, जगह जगह इस प्रकार के वाक्य मस्ट वाले वाक्य लिखे होते हैं, शहरों में आप जाओ कि यू मस्ट नॉट ड्राइव, यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, मतलब कार पार्क नहीं कर सकते इस टाइप से, अलाउड या फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब किसी को मना करना, किसी काम को किसी के लिए मना करते हो फॉरबिडन, तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होता है, मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से आपको ये देखना है इसमें आपको कि कहां पर किस मॉडल का प्रयोग डबल हो रहा है, मतलब किस मॉडल सूचक शब्द का प्रयोग दो बार आया है, जहां दो बार आया कंफ्यूज हमेशा वही रहेगा, बाकी कंफ्यूज नहीं रहेगा। यहां देखिए मैंने आपके सामने दो टाइप के मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इन टाइप में भी इसमें फर्क समझ लीजिए आप। अभी चूंकि आपने पैटर्न बदल गया, इस साल 20 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप देंगे आपको, 20 क्वेश्चन सीधे 20 नंबर के, उसमें 10 क्वेश्चन तो ऑप्शन वाले होंगे और बाकी 10 में खाली स्थान और ये होंगे, दोनों कंडीशन देख लेना इस टाइप से। वो देखो आपके जो आगे जाके तुम लोग बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, प्री बीएड का दोगे, रीट का जो भी दोगे, उसमें क्या करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, कोई वाक्य लिखा हुआ दे देगा और ए बी सी डी चार मॉडल दे देगा, उनमें से कोई एक मॉडल ही भरना होगा। देखिए कौन सा मॉडल भरना है ये तो आपको आना चाहिए, जो कोष्टक में दे रखे या ऑप्शन में जो मॉडल दे रखे कौन से नहीं आने चाहिए ये भी ध्यान रहना चाहिए, कौन से इसमें नहीं आ सकते ये पता चल जाएगा, तो उसमें से एक कौन सा आ सकता है ये आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइप का है जब आपको इसमें कोई मदद नहीं मिलती है, इसमें तो आपके पास मदद है, इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, वो शब्द आपको उस जो सारणी बनाई उससे मिलती जुलती है तो भर सकते हो इस पे आप, ठीक है, पर इस पे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको वाक्य का जो सेंटेंस होगा उसका आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्लियर। जैसे देखिए पहला वाक्य है, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है, बट इट रेन टूडे, बारिश हो सकती है पर संभावना बहुत कम, ना के बराबर, मतलब कि बारिश क्यों होगी, ये देखो संभावना के लिए दो मॉडल है हमारे पास, या तो मैं या माइट, मैं जब संभावना पूरी हो और माइट जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो, ना के बराबर संभावना, क्षीण संभावना जिसे कहते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, माइट लगेगा, इट माइट रेन टूडे, मैं लगा दो, मैं इसके लिए लगेगा क्योंकि जैसे मैं लगा दोगे इसका मतलब बारिश की पूरी संभावना है, बादल ही नहीं तो बारिश की संभावना कहां से। यदि ऐसा होगा देयर आर क्लाउड इन द स्काई, देयर आर क्लाउड इन द स्काई बट इट क्लाउड इन द स्काई उस कंडीशन में बट ही देता, सीधा देगा इट रेन टूडे,
हाँ, परंतु बारिश वहां पर आकाश में बादल संभावना ज्यादा है तो वहां पर मेकअप लुक होता है। दूसरा देखिए सी बाय द रिच लेडी, वह एक अमीर औरत थी सो सी बाय कार फॉर हर सन, इसलिए उसकी बेटे उसके बेटे के लिए वो कार ला सकती थी, सकती यही हुआ ना, अर्थात की उसकी एबिलिटी कैपेसिटी उसकी ला सकती भाई वैसा है। तो उसके लिए आपको या तो कैन का प्रयोग होगा या गुड़ का, कैन या गुड़ में किसका होगा, गुड़ का क्यों होगा, देखो या बाज पास्ट में आ गया इसलिए कैन नहीं होगा उसकी जगह किसका प्रयोग होगा, ये गुड़ का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले में किसका माइट का, दूसरे में किसका प्रयोग किया हमने, गुड़ का, आपको राउंड नहीं लगाना है। तीसरा द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत सीरियस है, ही डाई एट एनी टाइम, संभावना कैन क्यों होगा, यह तो संभावना है, पेशेंट बहुत सीरियस है वो कभी भी मर सकता है, मतलब पूरी संभावना है उसके जाने की है, तो यहां पर उसके लिए क्या लगेगा, मैं किसका प्रयोग होगा, संभावना के लिए मैं का प्रयोग। यदि ऐसा होता द पेशेंट इज नॉट सीरियस ही डाई एट एनी टाइम तो वहां पर क्या होगा, माइट होता, सीरियस नहीं है तो कैसे मरेगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होता, माइट का। अगला देखिए आई सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, सकता हूँ, क्या आएगा, कैन, यहाँ पर क्या आएगा, कैन, यू हेल्प मी प्लीज। ये देखिए किसी ने अचानक मदद मांग ली है, हमेशा देख रहा है दीदी, एक मैं आपको बताऊ, नहीं नहीं मैं नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए और आगे स्थान खाली हो, आगे स्थान क्या हो, खाली हो, तो यहाँ पर कुड़ का प्रयोग होता है, किसका, गुड़, या गुड़ का भी होता है पर यहाँ गुड़ है ही नहीं, ठीक है ना, किसका प्रयोग होगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, जिसके बारे में मैंने शब्द एक शब्द भी लिखाया था मैंने, ये वाक्य में कहां से ले रहा है, एक मिनट स्टॉप में कर रहे हैं, नहीं मतलब, हाँ अब देखिए नेक्स्ट, द लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस भी चली गई सो ही कम नाउ, इसलिए उसके आने की संभावना कम है, वो क्या कह रहा, वाक्य को देखिए, द लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस चली गई, अंतिम बस जाने तक भी वो नहीं है, इसका मतलब उसके आने की संभावना न के बराबर है, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, माइट का प्रयोग, एम आई जी एस टी, माइट। अगला सातवा, शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, पर अच्छे ढंग से स्पीक इंग्लिश बोल सकता है, कैपेसिटी, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, कैन का प्रयोग। ट्रेन स्पेलिंग ले लीजिए, टी आर आई एन एस, ट्रेन, ट्रेन स्पेलिंग क्या है इसकी, ट्रेन है, ट्रेन इज रनिंग स्लो, ट्रेन स्लो चल रही है, सो इट गेट लेट, ये लेट होगी, संभावना, पूरी संभावना, देखो मैं पूरी संभावना है, मतलब लेट चल रही है यदि, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, मैं, आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब तेज दौड़ सकता था, जब मैं जवान था तब तेज दौड़ सकता था, कैपेसिटी के लिए क्या आएगा, कूड, पर ये बाहर जा रही है इसलिए पास, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, कूड आएगा यहाँ पर, सो यू विल यूज योर कूड। द रिच हेल्प द पुअर, यहाँ देखो इसमें क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसमें आपको ये कि नैतिक रूप से वो किया जा रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर द रिच, क्या बोले तुम यहाँ पर, द रिच हेल्प द पुअर, गरीब अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, शूड, यहाँ पर शूड आएगा, ऑब्लिगेशन इसलिए नैतिक बाध्यता। अब यहाँ पर दूसरे टाइप के हैं, दूसरे टाइप का पूछ लेता है वो, मॉडल सूचक शब्द कोष्ठक में दे रहे, और ये फिल इन द ब्लैंक वाला ये पूछ सकता है, और ये वाला
ऑप्शन टाइप में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना आप। ही डू दिस वर्क इजिली कैन एबिलिटी आए तो क्षमता वाला वाक्य इसलिए यहाँ पर क्या आएगा कैन। यू गो टू सिनेमा टूडे अलाउड, किसी को परमिशन देने के लिए भी किसका प्रयोग होता है मैं का। साइन में भी थोड़ी सी मदद ले सकते हो। यू हेल्प द ऑल पीपुल मॉरल ड्यूटी शुड, मॉरल ड्यूटी के लिए क्या आएगा शुड। यू रेस्पेक्ट यूर टीचर, देखो यहाँ पर शुड नहीं लगा सकते, यहाँ बाध्यता तो है, यहाँ यदि तुम किसी का सम्मान नहीं करोगे तो लाते घुसे पड़ेगी आपको, उसकी सजा मिल सकती है, यहाँ तो बाध्यता, यहाँ इसलिए क्या आएगा मस्ट ड्यूटी के लिए। यू एंटर हियर विदाउट परमिशन प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड आए मतलब कि बाध्यता है बिल्कुल, तो मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, ठीक है ना। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। इट रेन रिमोट पॉसिबिलिटी, न के बराबर देखो पहले, द स्काई इज क्लियर आसमान बिल्कुल साफ है, इट रेन मतलब कि आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश की संभावना न के बराबर है, तो इट माइट आएगा, क्या आएगा माइट। ये बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं दे रखा होता तो भी आप लिख सकते थे, वो संभावना लेके चलना है। सी डांस वेल मैन सी वाज यंग कूड, और जब जवान थी अच्छा डांस कर सकती थी तो क्या होगा कूड आएगा यहाँ पर, क्योंकि पास्ट टेंस है। ही रैन एज फास्ट एज ही कैन, इसमें क्या आएगा कूड आएगा, सेकंड फॉर्म है रैन, रन फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वह जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ सका, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर कूड़ आएगा यहाँ पर भी। सीता लीव द स्कूल एट 4 o'clock, परमिशन, परमिशन देने के लिए क्या मैं। सी कुक फूड एट नाइट, और आपको भोजन बना भी सकती है संभावना है मैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मॉडल है इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, कैसे बनाओ बताओ। जब भी कभी अब आज के बाद जब कभी किताब पढ़ो आप, अक्सर हम जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उस समय क्या करते हैं कि जहां जहां ये मॉडल आ रहे हैं वहां पर ये क्यों आ रहा है ये ध्यान रखना शुरू करो। देखो तो हर चीज रट के नहीं पढ़ी जा सकती है, जैसे कहते हैं जो है जो हैबिचुअली जो डेली जीवन में आप जो करोगे वो फायदा होगा। जैसे अब किसी वाक्य में कैन आया तो थोड़ा एक क्षण के लिए रुक जाना, यार यहाँ पर कैन क्यों आया, कूड आ रहा है तो कूड़ क्यों आया, यहाँ पर ये मॉडल क्यों लग रहा है, ये तुम रुक के थोड़ा सोचोगे ना तो कुछ ही दिनों में टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं क्लियर हो जाते हैं। और मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि इस टाइप से आप देखना शुरू कर लेते हो तो जब बाकी कुछ भी आए आप मॉडल गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि यदि किसी जगह कोई मॉडल गलत मॉडल है उसके सही मॉडल की जगह आपने गलत मॉडल लगा दिया और वाक्य को वापस पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार यहाँ ये सेट नहीं हो रहा है। जैसे कहते तुम तो क्या करते हो ज्यादातर वैसे भी इंग्लिश में सेट करते हो वाक्य, तो जब मॉडल का नॉलेज आपको हो जाएगा तो आप प्रॉपरली सही मॉडल का उपयोग करेंगे। कल कुछ एक्सरसाइज हम और देखेंगे ताकि इसे आराम से आप क्या कर सकते हैं आज लड़के से मीटिंग की।